तो दोस्तों आपने कई मोबाइल या फिर लैपटॉप में देखा होगा कि वहाँ पे एयरप्लेन मोड होता है। एयरप्लेन मोड यानी कि ऑन किया जाता है। क्यों किया जाता है एयरप्लेन मोड को ऑन, और कहाँ पे उसका यूज बेसिकली किया जाता है एयरप्लेन मोड को, और उसको ऑफ करने से यानी कि उसको ऑन करने से आपके क्या क्या उसमें फायदे होते हैं, और कहाँ पे उसको ऑन किया जाता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है एयरप्लेन मोड को, और उसमें क्या क्या होते हैं फीचर्स, उसमें क्या क्या आपके यानी कि स्मार्टफोन में वर्क करने वाले नहीं है उसके ऑन करने के बाद, अगर इन सब चीजों को आपको पूरा जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आप एयरप्लेन मोड को बेसिकली किस तरीके से यूज कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एयरप्लेन मोड को आप फ्लाइट मोड या फिर ऑफलाइन मोड के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जाना जाता है उसको। और एयरप्लेन मोड को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे यानी कि ट्रांसमिशन सिग्नल को बंद करना हो, यानी कि आपके जो मोबाइल ब्लूटूथ ऑन है, और यानी कि ऑन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो वहां पे होता यह है कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई कॉल कर रहा है या एसएमएस कर रहा है या फिर आपका ब्लूटूथ वाईफाई या फिर यानी कि कुछ भी ऑन है, तो अगर आप एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो वो हो जाएगा ऑफ, यानी कि ऑफ हो जाएगा उसको। फिर यानी कि ऑन करने के लिए आप मैनुअली सेटिंग में जाके वहां से फिर उसको ऑन कर सकते हैं, फिर बाय द वे जाके मैनुअली सेटिंग में, और यहाँ पे आप उसको एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग्स यानी कि आपकी ऑन रहेंगी वो सब ऑफ हो जाएंगे, यानी कि आपके पास न तो कॉल आने वाली है न तो मैसेज आने वाले हैं, और न तो आपके पास यानी कि ब्लूटूथ ऑन रहेगा, न तो वाईफाई, न तो हॉटस्पॉट, यानी कि जो भी यानी कि छोटी मोटी सर्विसेज हैं मोबाइल के वो थोड़ी सी हो जाती हैं क्लोज एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद। और आपने ये भी बेसिकली देखा होगा कि मान लीजिए आप कहीं एरोप्लेन से अगर जा रहे हैं तो वहां पे आपको बोला जाता है कि आप एरोप्लेन मोड ऑन कर लीजिए, एयरप्लेन मोड ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप ऑन कर लेंगे एयरप्लेन मोड को तो उससे होगा ये कि मान लीजिए आपके मोबाइल में जो नेटवर्क्स होते हैं उसके जो सिग्नल्स होते हैं बाहर के, जो यानी कि टावर्स लगे होते हैं यानी कि कई जगहों पे आपका जो मोबाइल का सिग्नल होता है, अगर आप मान लीजिए एयरप्लेन मोड को ऑन नहीं किए हैं, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क है, तो उससे होता यह है कि अगर आप बैठे हैं फ्लाइट में तो जो नीचे नेटवर्क्स लगे होते हैं वहां पे वो कैचिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नेटवर्क से आपकी यानी कि किसी तरीके से चारों तरफ से नेटवर्क को खींच के आपको उस यानी कि मोबाइल में नेटवर्क दिया जाता है, यानी कि इधर उधर खींच के, और उसमें उससे होता यह है कि मान लीजिए फ्लाइट आपकी क्रैश हो सकती है, उससे ये खतरा बन सकता है। तो फिलहाल फ्लाइट ऐसी बात नहीं है कि क्रैश हो जाएगी, लेकिन कभी कभार होता यह है कि अगर मान लीजिए कोई जहाज में सफर भी कर रहा है तो यानी कि एयरप्लेन मोड को वो ऑन करना भूल गया है, तो ऐसे में जो एरोप्लेन है वो क्रैश होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको पूरी बात समझ में आ गई, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार वीडियो को यार लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।